फिर से हमारे पास में एक क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का आता है, क्वेश्चन में गिवन है 2019 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल स्पीड 80 किलोमीटर पर आर अनदर फ्रेट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आर, ओके द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीट क्रॉस द फ्रेट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें, फॉर सेम डायरेक्शन क्रॉस करने में सेम डायरेक्शन की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। तो अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें तो टाइम लगेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों ट्रेन का लेंथ L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई सेम डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 80 माइनस 30। ओके, जैसे अगर हमने ये लेंथ लिया है फ्रेट ट्रेन का 120 मीटर, ओके, और उसको पैसेंजर ट्रेन ऐसा क्रॉस कर रहा है, तो उसको पूरा क्रॉस करने में पैसेंजर ट्रेन का जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो होगा 120 प्लस 60, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा 80 माइनस 30, दैट इज़ इक्वल टू 50। सेम इज इट इज़ अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में ये है आपका फ्रेट ट्रेन और ये है आपका पैसेंजर ट्रेन, ओके, ये है फ्रेट ट्रेन और ये है पैसेंजर ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, यहाँ पर पहुँच गया, तो टी का वैल्यू जो होगा इसको हम T1 लिखते हैं, ये T2 लिखते हैं, लेंथ फिर से 120 प्लस 60 ही कवर करना पड़ेगा और डिस्टेंस स्पीड हो जाएगा 80 प्लस 30, ओके, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड ऐड करेंगे। अगर हमको दोनों का रेशियो निकालना है T1 बाई T2 तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिवाइडेड बाई 50 और ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 110, तो ये कैंसिल होगा, 11 बाई 5 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 11 बाई 5।